राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एनसीसी क्रेडिट कोर के प्रशिक्षण के बाद लेफ्टिनेंट बनने पर हर्षोल्लास के साथ स्वागत। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सुरीर में पूर्व से ही एनसीसी संचालित है। प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवाजी सिंह लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग एडी सीनियर डिवीजन व राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में तैनात। अध्यापक कमलाकार जूनियर डिवीजन व पद प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। एनसीसी संचालित प्रधानाचार्य व अध्यापक कमलाकार ने 90 दिन आर्मी का कठोर परिश्रम किया। फिजिकल अनुशासन तथा कठोर परिश्रम किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण नागपुर कॉम्पटी महाराष्ट्र में किया। आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे विद्यालय में जो एनसीसी की दोनों शाखाएं हैं, सीनियर और जूनियर, उसके दोनों प्रशिक्षक जो है कठिन परिश्रम करके 3 महीने का ट्रेनिंग पा करके आए हैं। और एक हमारे जो कमलाकर जी हैं, उनको जो रैंक मिली है 3rd अफसर की, और हमारे प्रधानाचार्य शिवाजी सिंह जी को जो है 2nd लेफ्टिनेंट की पद मिला है। इससे हम अभिभूत हैं, हमारा विद्यालय अभिभूत है, और उम्मीद करते हैं जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ से अनुशासन और टाइमिंग जो सीख करके आए हैं वो उसका पूरा फायदा इन हमारे बच्चों को देंगे और अपने जीवन में भी ये उस गुण को अपनाएंगे और इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और मैं और ये जो कार्यक्रम इन जो हमने रखा है इनके स्वागत का, तो इससे भी हमें खुशी हो रही है और हमें हृदय से हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारे विद्यालय में एनसीसी को जो है दिनों दिन बढ़ाया है और इसके प्रशिक्षण से हमारे विद्यालय की छवि को काफ़ी ऊपर किया है। जी सर, बताएं क्या कार्यक्रम है यहाँ पर और क्या कहना चाहेंगे? हमारे विद्यालय में एनसीसी संचालित थी। इसके पहले हम लोग केयरटेकर के रूप में कार्यरत थे। ओटीए कामती द्वारा 90 दिन का एक प्रशिक्षण हमारे कुल एनसीसी टीचर होते हैं उनके लिए होता है। उसको हम लोग बटालियन के द्वारा वहाँ गए और 90 दिन का आर्मी का कठोर प्रशिक्षण, जिसका अभी हमारे सर ने थोड़ा सा यांत्रिक भी किया है कि उसमें एक था अनुशासन, दूसरा चीज़ टाइम मैनेजमेंट और कैसे आपकी दिनचर्या होती है और फिजिकल फिटनेस कैसे रहता है, इस पर बहुत ही कठिन कठोर प्रशिक्षण दिया गया। और उसके बाद लास्ट में पीओपी जो पासिंग आउट परेड होती है और पीपिंग सेरेमनी होती है, उस प्रशिक्षण के बाद पुनः हमें लेफ्टिनेंट का पद प्रदान किया गया। और इस विद्यालय में अभी हमारे कॉलेज के प्रबंधक महोदय आए हुए हैं और इन्होंने अभी हमें जो आशीर्वाद दिया, ये हमारे और इस क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है। और मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और अपने विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का तथा ये जो हमारे बच्चे आए हैं, इन बच्चों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? एनसीसी को हम 2nd आर्मी के रूप में जानते हैं। बच्चे एनसीसी में बहुत उज्ज्वल करियर है इनका। अगर ये बढ़िया से प्रशिक्षण प्राप्त करें तो देश की सेवा के साथ साथ अपने करियर, अपने जीवन के लिए भी आगे जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इसके लिए आने वाले कल में हम प्रयासरत रहेंगे और क्षेत्र में जो अच्छे बच्चे हैं, जो जागरूक बच्चे हैं, वो हमारी कोशिश होगी इनको मोटिवेट करके इस क्षेत्र में इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे आगे देश की सेवा के साथ साथ अपने करियर का भी एक चुनाव कर सके। बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है क्योंकि जिस तरह से ये महाराष्ट्र कामती में अफसर ट्रेनिंग अकादमी स्थित है, वहाँ पर मुझे 3 महीने का कठोर सैन्य प्रशिक्षण मिला है। तो निश्चित रूप से इसका बच्चों को हम बताएंगे और इसका काफ़ी उनको लाभ होगा। क्या क्या प्राथमिकताएँ हैं आपके बच्चों को? बच्चों को आगे बढ़ाना एनसीसी के क्षेत्र में, जिससे इनका आगे का करियर सुनिश्चित हो सके और इनको कई सारी चीज़ें ट्रेनिंग क्लब में सिखाई जाएगी, जो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे निश्चित रूप से सफल होंगे।